Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. तो मैं बताने वाली हूँ आज पास्ता की रेसिपी. पास्ता की रेसिपी मैंने पहले भी शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना. तो चलिए पास्ता बनाना हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं एक पैन में 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ. पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपका जितना पास्ता हो उस हिसाब से आप पानी डालो. एंड 1 चम्मच इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड 1 चम्मच इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ. पानी उबलने लगा है तो मैं इसमें अब पास्ता डाल रही हूँ. 1 कप पास्ता लिया है मैंने एंड इसको अब मैं मिक्स कर देती हूँ अच्छे से. ऑयल इसमें मैंने इसलिए डाला क्योंकि पास्ता एक दूसरे से चिपके ना. एक बात का ध्यान जरूर रखें कि पास्ता को हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है. अब इसको मैं ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए. आप चाहो तो इसे बिना ढके भी बॉईल कर सकते हो, बट मैंने इसे ढक दिया. इसलिए मैंने ढका क्योंकि ये जल्दी बॉईल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ढक दिया. अभी ये बॉईल हो चुका है, इसको टच करके भी देख सकते हो यह बॉईल हुआ है या नहीं हुआ है. इसको मैं अब सारे पास्ते को पानी से छान लेती हूँ. अब मैं एक पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ. इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई हरी मिर्च एंड बारीक कटी हुई प्याज. इसमें मैंने अदरक लहसुन भी कुटा हुआ ऐड किया था, बट पता नहीं वीडियो बना ही नहीं लगता है, मैं बटन दबाना ही भूल गई थी इसलिए नहीं बन पाया. एंड इसमें आप अदरक लहसुन डाल भी सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, उसके बिना भी बहुत अच्छा लगता है पास्ता. एंड इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, रेड कलर की प्रेस बटन है उसको प्रेस जरूर 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 से जरूर कर लीजिए प्लीज़. एंड अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ. टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड इसके बाद 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर एंड 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर. एंड अब इस सबको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से. इसको मैं ढक रही हूँ 5 मिनट के लिए क्योंकि इसमें जो मैंने टमाटर ऐड किया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से गल जाए, इसलिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढक दिया था. अब इसमें मैं बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर रही हूँ एंड अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ उसके मसाले के साथ, वो पूरा मिक्स हो जाए. मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पास्ता मसाला. अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं हो तो आप पास्ता मसाला स्किप भी कर सकते हो. एंड इसको मैं फिर से मिक्स कर लेती हूँ पास्ता मसाला को पूरा पास्ता के साथ. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमेटो केचप. मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ. पास्ता बनके रेडी है एंड रेसिपी काफी सिंपल है. अब मैं चलिए पास्ता को सर्व कर लेती हूँ. सर्व हो गया पास्ता एंड रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा पास्ता का, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर सबसे शेयर करें मेरे वीडियो को प्लीज़. एंड फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ. आज के लिए बाय बाय.